नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल LEC गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको टेक्नीशियन का प्रमोशन कैसे होता है, टेक्नीशियन का प्रमोशन कितने साल के बाद होती है, या टेक्नीशियन से JEE का सफ़र कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये टेक्नीशियन एक तो देखिए एक RRB से आते हैं डायरेक्ट जो भर्ती हो करके, और दूसरा RRC से जो ग्रुप डी में आते हैं Level 1 पोस्ट पे। तो वो डिवीज़न पर निर्भर करता है वो कितने साल में उसको टेक्नीशियन बना दिया जाता है। किसी किसी डिवीज़न में 4 से 5 साल लग जाता है टेक्नीशियन बनने में, जो Level 1 से Level 2 आने में। ये जो आप देख रहे हैं टेक्नीशियन, ये तो ये Level 2 में आता है। चलिए आप देख रहे हैं जो ये टेक्नीशियन 3 जो बना, तो एक तो ग्रुप डी के माध्यम से भी बन जाता है, दूसरा डायरेक्ट RRB के माध्यम से टेक्नीशियन 3 पर बहाली होती है। इसका जो ग्रेड पे है ये 1900 है, 1900 पर आता है। इसका बेसिक 19900 पर आ जाती है। अब जब टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 बना जाता है तो उसमें किसी किसी डिवीज़न में 1.5 साल लग जाता है, किसी किसी डिवीज़न में 2 साल लग जाता है। ये डिवीज़न पर निर्भर करता है, लेकिन मैक्सिमम 2 साल में हो जाता है, ऐसा नहीं है मैक्सिमम 2 साल बहुत हो गया, 2 साल तक में बन जाता है टेक्नीशियन 2। जैसे ही टेक्नीशियन 2 बन गया तो इसका ग्रेड पे 2400 चले जाता है और इसका बेसिक 25500 का आ जाता है। उसके बाद टेक्नीशियन 2 में जैसे 2 साल लग गया, फिर टेक्नीशियन 1 बन पाता है, इसमें भी करीब करीब 1.5 से 2 साल लग ही जाता है। इसमें भी टेक्नीशियन 2 से 1 बनने में 2 साल मैक्सिमम लग ही जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले भी बन जाता है। तो वो डिवीज़न पर निर्भर करता है कौन सी डिवीज़न थोड़ा जल्दी में प्रमोशन कर देता है। चलिए उसके बाद जैसे ही टेक्नीशियन 1 बनते हैं तो इनका ग्रेड पे 2800 आ जाता है और बेसिक 29200 आ जाता है। जैसे जैसे आपका ग्रेड पे बढ़ते जाएगा उस तरह से आपका बेसिक भी उस तरह से बढ़ते जाता है। और जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा तो चाहे वो DA हो, चाहे आचार्य हो, चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, ये चीज़ बढ़ते जाती है। अब टेक्नीशियन से 1 से सीनियर टेक्नीशियन बनने में कितने साल लग जाते, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाती है, लगभग में 5 से 6 साल लग जाती है सीनियर टेक्नीशियन बनने में। टेक्नीशियन 1 से सीनियर टेक्नीशियन बनने में 5 से 6 साल लग जाती है। कोई कोई डिवीज़न तो कम समय में भी बना सकते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है कर्मचारी पे। अगर सीनियर टेक्नीशियन उस डिवीज़न में ज़्यादा नहीं है तो वो जल्दी भी बना सकता है, ऐसा नहीं है जो 4 से 5 साल या 5 से 6 साल लग गया टेक्नीशियन इतना समय लग ही जाता, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वो कम से कम समय में भी बना सकते हैं, वो डिवीज़न पर निर्भर करता है। और जो सीनियर टेक्नीशियन है उसकी संख्या कितनी है उस डिवीज़न में, उस बातों पर निर्भर करता है जो वर्कर। जैसे आप टेक्नीशियन 1 से सीनियर टेक्नीशियन बने तो उसमें आपका ग्रेड पे 4200 हो जाती है, और इतना ही ग्रेड पे आपको JEE के लिए ही मिलता है, JEE और MCM का, ये तो दोनों का ग्रेड पे सेम रहता है, और इनका बेसिक 35400 हो जाती है। अब देख रहे हैं जो टेक्नीशियन 3 से 2, 2 से 1, 1 से MCM, यहाँ से यहाँ आने में 2 साल, यहाँ से यहाँ आने में 5 से 6 साल का सफ़र आपने MCM तक आके। अब इनके बाद इनका प्रमोशन JEE के लिए होता है कि नहीं होता है ये अब निर्भर करता है, तब तक में पता चलता है। कुछ ज़्यादा उम्र हो जाती है तब उस डिवीज़न में देखते हैं जो कितना JEE का सीट खाली है जो प्रमोशन से भरा जाए। तो जैसे अगर सीनियर टेक्नीशियन आप बन गए तो वो अब डिपेंड करता है, कास्ट पर भी निर्भर करती है, किसी को लास्ट तक में जो है ना JEE बना दिया जाता है
कि कोई नहीं भी बन पाता, कोई MCM में भी रिटायर हो जाते हैं, तो वो अब निर्भर करता है डिवीज़न पर, जो कितना डिवीज़न वो काम फास्ट में कर देता है। अब चलिए, अब टेक्नीशियन थ्री से कोई आदमी डायरेक्ट JEE कैसे बनेगा, तो इनके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। आपने टेक्नीशियन थ्री पे जैसे अगर ज्वाइन किए तो आप डायरेक्ट JEE का फॉर्म नहीं भर सकते, इनके लिए आपको कम से कम 3 साल चाहिए सर्विस में। 3 साल जब आपका पूर्ण जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्राइटेरिया फॉलो कर लिए आप JEE के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम LDC के माध्यम से आप डायरेक्ट JEE बन सकते हैं। उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट टेक्नीशियन थर्ड से JEE बन सकते हैं। कुछ होती है MCM से JEE, तो ये तो लास्ट तक में बना दिया जाता है, तो इसमें बहुत सारे टाइम लग जाती है। अब इस इतना सारा टाइम को अगर इंक्लूड कीजिएगा तो लगभग में आपको 11 से 14 साल के आसपास में लग जाता है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।